सौ नंबर आपका स्वागत करता है। मैं हूं माधव तिवारी। हर अपराधी के लिए अपराध करना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है जुर्म को छुपाना भी, क्योंकि मशहूर है कहावत कि गुनाह और गुनहगार कभी छुप नहीं सकते। एक नजर हमेशा उन पर टिकी है और वो है सौ नंबर, जिसकी पकड़ से कोई भी क्रिमिनल बच नहीं सकता। और आज समाज के वही दुश्मन सौ नंबर के टारगेट पर हैं। विश्वास की बुनियाद पर टिका होता है पति पत्नी का रिश्ता। भरोसे के पहिए पर चलती है इस रिश्ते की गाड़ी, लेकिन एक भी पहिया डगमगाया तो गाड़ी थम जाती है और फिर पड़ती है वो दरार जहां प्यार और एतबार खत्म होता ही है, साथ ही साथ वो जुर्म की दस्तक भी देता है जो बनता है दहशत का सबब। आजमगढ़ के थाना निजामाबाद के गांव फरीहा की रहने वाली शादीशुदा ये औरत तमन्ना है। तमन्ना के पांच छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन शादीशुदा तमन्ना की एक नापाक ख्वाहिश ने सब कुछ तबाह करके रख दिया। तमन्ना आज पुलिस की गिरफ्त में है तो इसके छोटे छोटे बच्चे वीरान हो चुके हैं। सुनकर और देखकर आप भी सहम जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि तमन्ना ने अपनी अय्याशी के आगे पाक रिश्ते की बलि चढ़ा दी, अपने बच्चों का बचपन बर्बाद करके रख दिया और आज खुद खड़ी है खाकी की दहलीज पर, जहां सिवाय पछताने के कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तमन्ना ने गैर मर्द की खातिर संगीन गुनाह अंजाम दिया है और उस जुर्म में तमन्ना का नाजायज इश्क यानी आशिक जुम्मन भी शरीक है। आइए हम आपको सुनाते हैं बेवफा और कातिल बीवी तमन्ना की जुबानी पति के कत्ल की कहानी। गला दबा के हम दोनों मोहब्बत चल रही थी जुम्मन से। हम 5-6 महीने दो तीन दिन से। आरोपी बीवी तमन्ना ने कबूल किया है कि हाँ, प्रेमी जुम्मन के साथ मिलकर शौहर हैदर की हस्ती मिटा दी, अय्याशी के बीच रोड़ा पति को बेरहम मौत दे दी। तमन्ना का पति एक खानसामा था और ज्यादातर व्यस्त रहता था, कड़ी मेहनत करके अपने परिवार को पाल रहा था, लेकिन उसकी पीठ पीछे तमन्ना चचेरे देवर जुम्मन के साथ गुलछर्रे उड़ाती। ये निजामाबाद थाना क्षेत्र में फरिया गाँव है। फरिया ग्राम में हैदर अली रहते हैं। आज रात्र में था, भोर के टाइम सूचना मिली कि हैदर अली की हत्या कर दी गई है। उस पर SO निजामाबाद और उनकी टीम मौके पर पहुंची और जो बातें निकल कर आई वो ये रही कि रात 1 बजे हैदर अली की पत्नी तमन्ना ने अपने प्रेमी को बुलाया था जो बगल में रहता था और इन दोनों ने मिलकर उसकी गला दबा के उसकी हत्या कर दी। इनका पुराना प्रेम संबंध था और उसके पति ने इन दोनों को एक साथ देख लिया था, इसीलिए इन दोनों ने मिलकर पहले से साजिश करके और उसको बुला के और अपने पति की हत्या करवाई। जब पति हैदर ने पत्नी तमन्ना को गैर मर्द चुम्बन के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा तो वो सब देखकर टूट गया। पत्नी तमन्ना से रिश्ते तोड़ने की सोची। ईद के दिन पति पत्नी के बीच कहा सुनी हुई और फिर कहा सुनी ने एक साजिश की शक्ल अख्तियार की। बीवी तमन्ना ने आशिक जुम्मन के साथ मिलकर ईद वाली रात पति हैदर के हाथ पैर बांध कर गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। हम लोग ने मोहब्बत ठीक कर दी। कब से मोहब्बत थी? 6-7 महीने। 6-7 महीने पैर में हाथ में रसरी लगा कर मैं दोनों लोग रसरी से बांध के पैर बाया हाथ बाया बांध कर हम लोग दोनों लोग नटई दबाए फिर उसके बाद इसको मारा। तुम्हारे भाभी से तुम्हारे
आपका से संबंध जुड़ा? 6-7 महीने। हैदर की मौत की खबर थाना निजामाबाद पुलिस के कान तक पड़ी तो मौका वारदात पर पहुंचकर उसकी बॉडी कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई और पूछताछ शुरू की, और इसी पूछताछ के दौरान हैदर के कत्ल का चश्मदीद भी मिल गया। जी हां, खुद उसकी 12 साल की बेटी जिसने अपने पिता का कत्ल होते हुए देखा और कातिलों का चेहरा भी बेनकाब कर दिया। मेरे पापा के जुम्मन मान नहीं आ रहा। क्या बजे घटना है? 12 बजे। किस तरीके से मारी? कैसे मारी? रस्सी से। तुम देखी हो? हाँ। मृतक हैदर की बेटी के बयान पर उसकी बीवी तमन्ना और उसके प्रेमी जुम्मन को अरेस्ट कर लिया गया, जहां कड़ी पूछताछ के बाद दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दोनों अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं 12 घंटे के भीतर और जेल भेजे जा रहे हैं। साक्ष्य और कलेक्ट करेंगे अभी, और काफी दिनों से इनका प्रेम प्रसंग चल रहा है और उसी के पड़ते स्वरूप इसने अपने पति की हत्या कर दी। तो तमन्ना है जो मृतक, और तमन्ना है इनके 2 बच्चे हैं, और इन बच्चों ने भी घटना को देखा है, तो वो लोग भी हम उसमें विवेचना में इंक्लूड कर रहे हैं वो सारी चीजें भी। तमन्ना की नापाक ख्वाहिश ने उसे कातिल बना दिया, पति के खून से हाथ रंग लिए, गैर मर्द के लिए गुनाह करने से भी नहीं चूकी, मगर उसने एक मर्तबा ये तक नहीं सोचा कि उसके फूल से बच्चों का क्या होगा, जो इंसान को पहचानना तो दूर, ठीक से बात तक कर नहीं सकते। अशोक वर्मा, आजमगढ़, नेशनल वॉइस। बेवफा बीवी ने अय्याशी अंजाम देने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, और जब खोली तो अवैध संबंध एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर चुका था। लेकिन अब जिस खबर से हम आपको वाकिफ करवाने वाले हैं, वो एक मिस्ट्री बनकर पुलिस के सामने खड़ी है, और सवाल सुलगा है कि मास्टरमाइंड कौन है। मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते वक्त इस महिला ने शायद ही सोचा होगा कि ये मॉर्निंग वॉक उसके लिए मौत का पैगाम लेकर आएगी। सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था कि फिरोजाबाद की सुबह खून से लाल हो गई। अपने पति के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए गई महिला की 3 नकाबपोश हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। एक साल से आते थे हम लोग टहलने जी, घर को जा रहे थे, साथ साथ बिल्कुल अगल बगल में, नीचे से एकदम तेजी में एक बाइक आई, वो मतलब एकदम बाल पकड़ के ऐसे गोली मारी चेहरे पे। कितने लोग थे भाई? 3 लोग थे, मुंह बांधे हुए थे। कैसी की बाइक थी, कोई कलर या कोई वैसे? नहीं, मेरे को जानकारी नहीं है, स्प्लेंडर टाइप की थी, और मेरे ऊपर भी बाइक चलाने वाले ने ऐसे तमंचा ताना ना, तो मैं थोड़ा सा बगल में बैठा, मैं चीखने लगा एकदम काफ़ी तेज़ आवाज़ में। तो गोली मार के जो है फरार, कितनी गोली? 3-2 तो उन पीछे बैठने वालों ने मारी है, 3री मारी है जो बाइक पर जो चला रहा था उसने निकाला है। पहले मेरी तरफ ताना है, मैं जैसे ही हटाऊँ थोड़ा सा तो इनमें मारी है। अब ये नहीं मैं कह सकता यहाँ लगी है इनमें या नहीं, 2 तो कंफर्म है ये, वो साफ दिख रही हैं। कारण क्या रहा होगा? कुछ भी नहीं मालूम, नहीं पड़ रहा, कोई विवाद नहीं किसी से नहीं। हर रोज की तरह ममता अपने पति जय किशन के साथ सुबह करीब 5:30 बजे मॉर्निंग वॉक पर निकली थी। दोनों पति पत्नी जेल रोड पर दाऊ दयाल डिग्री कॉलेज के पास टहल रहे थे, उसी वक्त अचानक 3 नकाबपोश एक बाइक पर आए और बेहद करीब से ममता को 3 गोली मार दी। ममता की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक महिला के पति जय किशन की 2 पत्नियां हैं, जिसमें ममता छोटी थी। जय किशन का इलेक्ट्रॉनिक सामानों का शोरूम है, जिसके साथ साथ वह रुपए लेन देन का काम भी करता है। फिलहाल पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वैसे पुलिस इस हत्याकांड को पारिवारिक रंजिश के एंगल से भी देख रही है। ये सुबह की घटना है थाना रामगढ़ क्षेत्र की। ये जो मृतका है मूलतः कन्नौज की रहने वाली है, अपने पति के साथ 8-10 साल पहले यहाँ रहती थी। पति इनके मजदूरी करते थे, उसके बाद किन्हीं कारणवश ये महिला इनके जय किशन जो उनके अभी पति हैं इनके साथ रहने लगी।
जो जयकिशन है इनके भी पूर्व में शादी हो चुकी है, इनकी पत्नी इनके साथ रहती हैं। इस वक्त ये दोनों लोग साथ ही रहते थे, ये दोनों पत्नियां एक साथ ही रहती थी। इस घटना के संबंध में पूरी जानकारी की जा रही है और इसका बहुत शीघ्र ही इसका खुलासा किया जाएगा। अभी हत्या पीछे कुछ कार्ड निकल गया है, क्या कार्ड था हत्या पीछे? अभी जो प्रथम दृष्टया जो जो प्राथमिक जांच है उसमें जो चीजें सामने आ रही उससे पारिवारिक और आसपास का ही मामला समझ में आ रहा है, लेकिन अतिशीघ्र इसका सही तथ्यों के आधार पर खुलासा किया जाएगा। सुबह सुबह हुई इस वारदात ने फिरोजाबाद में सनसनी मचा दी है। जिस तरह से तीन नकाबपोशों ने महिला की हत्या की है उससे पुलिस के सुरक्षा के दावों की पोल एक बार फिर खुल गई है। अब देखना है कि पुलिस इस मर्डर मिस्ट्री को कब तक सुलझा पाती है। अतुल यादव, फिरोजाबाद, नेशनल वॉइस। वाकई पुलिस के लिए तो बड़ा सवाल है कि आखिर कौन है महिला के मर्डर का मास्टरमाइंड, और पुलिस इस सवाल का जवाब तलाशने में जुटी है। अगली खबर मऊ से सामने आई है, जहां एक मासूम की पहली मासूमियत रौंदी गई और फिर उस घिनौने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए एक और जुर्म अंजाम दे दिया गया। जिला मऊ के थाना मधुबन की रहने वाली अस्पताल में भर्ती 12 साल की मासूम बच्ची जिंदगी और मौत के बीच छूलने पर मजबूर है। नजदीक खड़ा परेशान परिवार भगवान से दुआ मांग रहा है कि हमारी बच्ची की जान बख्श दे। धुंधली तस्वीर का हिस्सा बच्ची का परिवार भी पूरी तरह बदहवास है और कोस रहा है उस मनहूस पल को जब इनकी बेटी घर से बाहर निकली तो उन तीनों दरिंदों के चंगुल में फंस गई जिनकी नियत गंदी थी। वारदात 7 जुलाई की सुबह अंजाम दी गई। पड़ोसी गांव के ही रहने वाले बबलू, रमाकांत और राम प्यारे ने मासूम लड़की को दबोच लिया और फिर जमकर मनमानी की। लिए वही पे वो बैठे हैं सब, इसको धलिए जबरदस्ती चिल्लाने शुरू कर दिया उसको, उसके साथ बेटी बलात्कार भी किए हैं। मासूमियत रौंदने के बाद हवस के भूखे भेड़ियों ने अपना गुनाह छिपाने की भी भरपूर कोशिश की। गैंगरेप का शिकार लड़की को जहर पिला दिया। हम बाहर ही गए थे ना, तीन लोग आए थे, मेरा रेप चल कर कर दवा पिला दिए थे। कौन सी दवा थी? कहाँ के लोग थे? गांव में के। क्या नाम था, नाम पता है तुम्हें? बबलू, पप्पू, हर एक आदमी का नहीं मालूम। सुना आपने लड़की का बयान, मीडिया के कैमरे पर बयान दिया और वो नाम भी गिनवा रही है जिन्होंने इसकी मासूमियत हवस के पैरों तले रौंद दी। लड़की को गैंगरेप का शिकार बनाने के बाद तीनों लड़के वहां से फरार हो गए और जहर से तड़पती लड़की किसी तरह घर पहुंची, जहां बेटी की बिगड़ती हालत को देखते हुए उसे तुरंत परिवार वालों ने अस्पताल भर्ती करवाया। पीड़िता बलात्कार तो बता रही है, ये आगे गायनकोलॉजिस्ट द्वारा जांच के बाद ही कंफर्म हो पाएगा। और पॉइजनिंग की केस जो है प्राइमरी रूप से ठीक लग रही है, उसका इलाज किया जा रहा है, फिर जिला अस्पताल आगे के इलाज के लिए भेजा जाएगा। डॉक्टर के मुताबिक लड़की को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया जाएगा, मगर जब मीडिया ने लड़की के भाई से बात की तो उन्होंने उन सभी हैवानों के नाम उजागर किए जो उसकी बहन के गुनहगार हैं और ये भी बताया कि हुआ क्या है उनकी बहन के साथ। शौच करने निकली और खेत में जैसे गई, उसके बाद ये लोग घास लगाए बैठे हुए थे और उसको पकड़ कर जबरदस्ती बलात्कार किए और जब चिल्लाने शुरू की तो उसके मुंह में दवा दी, पिला दिए लोग।
कौन लोग थे, कहाँ लोग थे और कितने संख्या में लोग थे? ये लोग तीन लोग थे और रहने वाले उड़ीसा गांव के थे, बबलू था, रमाकांत और पप्पू रमाकांत और एक राम प्यारे था। इस समय आपके बहन की उम्र क्या होगी? 14 साल। बेटी की हालत देख पीड़ित परिवार परेशान है और दवा के साथ साथ दुआ का भी सहारा लिया जा रहा है ताकि बेटी की जिंदगी बच जाए। मगर हैरानी तो उस वक्त होती है जब इतनी शर्मनाक वारदात अंजाम दे दी जाए और पुलिस एक लफ्ज तक न बोले। कैमरे से अपना मुंह फेरती नजर आए, सही भी तो है, क्या बोलेगी यूपी पुलिस? बोलने के लिए बचा भी क्या है? उनकी आंखों के सामने उनके दावों की धज्जियां उड़ रही है और खाकी कुछ कर नहीं पा रही। दुर्गा किंकर सिंह, मऊ। एक कहावत है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका होए उसका सो जग बैरी होए। और अब जिस खबर से हम आपको बावस्ता करवाने वाले हैं वो इस कहावत को चरितार्थ करती है। जहां नफरत ने अपने काम तो कर दिया मगर किस्मत ने अपना खेल दिखा दिया। आप भी देखिए। इन बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाजमी है क्योंकि इनकी माँ पर जानलेवा हमला हुआ और वो अपने इस लॉकेट की वजह से बच गई। कहानी पूरी फिल्मी है। कई बार आपने फिल्मों में देखा होगा कि गोली चली लेकिन गोली लगने पर भी गोली लगने वाले की जान नहीं गई। इस महिला की गर्दन पर खाव ये बता रहा है कि गोली अगर थोड़ी सी ऊपर नीचे होती तो आज ये महिला जिंदा ना होती। लेकिन फिलहाल इस लॉकेट ने महिला की जान बचा ली है। अगर इन पे कोई भी आंच आती है बच्चे पे भी तो इसके जिम्मेदार कानून और मेरे माँ बाप और मेरे ससुराल वाले होंगे। मैं चाहती हूँ कि इनके खिलाफ कोई भी कानूनी या कैसी भी कोई भी जास्ती नहीं होनी चाहिए। कोई अपनी लड़की के साथ ना करे ताकि लड़की को ऐसा कदम उठाना पड़े कि दूसरे के घर पे आके मैंने चढ़ाई किया। ये मामला मेरठ के थाना इंचौली क्षेत्र के इंचौली कस्बे में ही कुरेशियान मोहल्ले का है। ईद पर भाई ने माँ और साले के साथ मिलकर घर में अकेली बहन पर फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि गोली महिला के गले में पड़े लॉकेट में लगी जिससे वो बाल बाल बच गई। महिला के पति ने तीनों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। आपको इस महिला का जरा परिचय भी दे दें। यह महिला इंचौली निवासी शबनम, उम्र 35 वर्ष है। पुत्री उमर दीन मलिक का निगाह 15 साल पहले लेसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के लक्कीपुरा निवासी इरफान पुत्र शौकत से हुआ था। 1.5 साल पहले इरफान शबनम के बीच तलाक हो गया। तलाक के बाद शबनम ने इंचौली निवासी अनीश कुरैशी पुत्र लियाकत से निकाह कर लिया और दोनों लेसाड़ी गेट में आकर रहने लगे। इस निकाह से शबनम का परिवार नाराज था। 1 सप्ताह पहले शबनम और पति अनीश के गांव लौटने पर दोनों पक्षों में तनाव था। सुबह 8 बजे जब परिवार के सदस्य नमाज अदा करने गए थे उसी वक्त शबनम का भाई नईम, वसीम और साला सलमान और माँ शकुरी के साथ शबनम के घर पहुंचा। शबनम को अकेला देखकर फायर की लेकिन गोली शबनम के गले में पड़े लॉकेट में लगी। शबनम के साथ इस घटना से गांव के लोग भौचक्के से रह गए। आखिर पिछले किए हुए कर्मों की वजह से शायद खुदा ने शबनम और उसके बच्चों के भविष्य को बचा लिया। उधर घटना के बाद अधिकारियों ने मामले में महिला के पति की तहरीर के आधार पर 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों को पकड़ने की कोशिश में जुटी है लेकिन आरोपी घर में ताला लगाकर फरार हो गए हैं। एक महिला ने अपने पति को छोड़ के दूसरी शादी कर ली थी मोहल्ले में दूसरे लड़के से, जिसका घर वाले विरोध करते थे। कल जब परिवार के सभी लोग ईद की नमाज पढ़ने चले गए तो उस लड़की का भाई और माँ दोनों लोग घर पे आए, लड़के के साथ मारपीट की। लड़की का कहना है कि मेरे ऊपर गोली चलाई गई, जो गोली उसके लॉकेट पे लगी और रिकोचिट हो गई। लड़की बच गई है, उसका इलाज चल रहा है, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब वो कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। शबनम के परिवार वालों ने शबनम को जान से मारने की कोशिश की, बकायदा उसको शूट किया गया लेकिन उसके गले में पड़े लॉकेट ने शबनम की जान बचा ली।
गोली सबनम के लॉकेट पे लगी और सबनम की जान बच गई। फिलहाल सबनम अपने परिवार में है और अपने परिवार की सलामती की गुहार लगा रही है। उधर अधिकारियों ने पूरे मसले में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों को जल्द ही पकड़ने की बात कह रही है। नेशनल वॉइस के लिए मनोवर चौहान, जय हिंद। हत्या, अपहरण, बलात्कार, चोरी, डकैती और लूट, मानो उत्तर प्रदेश की नियति बन चुकी है। पब्लिक खौफ से भरी है, पुलिस पस्त है और अपराधी मस्त है। ना कोई शहर महफूज है, ना ही कोई गांव। पता नहीं कब, कैसे, कौन किसका शिकार बन जाए। अगर यकीन नहीं आता तो इलाहाबाद की ये खौफनाक वारदात देखिए। इलाहाबाद के नैनी इलाके में 2 बजे यानी दिन दहाड़े दोपहर के वक्त बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा से रवि वाधवानी अपनी मां के साथ बैंक से 3,60,000 रुपए निकालकर घर की तरफ रवाना हुए थे कि तभी नैनी बाजार के पास बाइक से आए 2 नकाबपोश बदमाश रवि की मां के हाथों से रुपयों से भरा बैग छीन फरार हो गए। हम 3,60,000 रुपए निकाले, मेरी माताजी के नाम पे था। निकाल के जैसे ही बैंक ऑफ बड़ौदा नैनी शाखा से निकले और घर की तरफ जा रहे थे, कॉटन मिल तरफ, शंकर ढाल के पास पीछे से 2 बाइक सवार आए और माताजी झोला ली हुई थी, उनसे छीन के भाग गए आगे। होंडा के शोरूम नहीं, अब एक मुंह में कपड़ा लपेटे थे, अब एक सेकंड में इतना सब कुछ हुआ, हम लोग कुछ समझ ही नहीं पाए। जब तक कुछ समझ पाते उन लोग काफी आगे निकल चुके थे। दिन दहाड़े हुई लूट की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली तो पुलिस के आला अधिकारी मौके वारदात पर आधमके और FIR दर्ज कर जांच में जुट गए। पुलिस बैंक और आसपास में लगे CCTV कैमरे के फुटेज को खंगाल रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा और बदमाश सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि जहां पर लूट की ये वारदात अंजाम दी गई वहां से चंद कदमों की दूरी पर पुलिस बूथ बना हुआ है। नैनी में एक लूट की घटना हुई है 3.5 लाख रुपए की। बैंक से पैसा निकाल करके ले जा रहे थे, उसको 2 लड़के मोटरसाइकिल सवार है, पल्सर सवार, वो लोग छीन लिए हैं। उसमें FIR दर्ज करके कार्रवाई करा रहे हैं। कुछ क्लूज मिले हैं, वहाँ एक CCTV कैमरा लगा हुआ था, उस CCTV की रिकॉर्डिंग ले ली गई है, दोनों लड़कों का उसमें तस्वीरें भी आ रही है। हम लोग जल्दी इसको वर्कआउट कर लेंगे, FIR लिख दी गई है। किसके साथ हुई है, कौन है ये? रवि और उसकी माताजी बताई जा रही है नाम, लेकिन हम लोग अभी ट्रेस आउट कर रहे हैं, FIR दर्ज। भरे बाजार दिन दहाड़े लूट की इस वारदात से साबित हो गया कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज लौट रहा है। आम आदमी बदमाशों के निशाने पर है, वो बेधड़क वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। उनके सिर से पुलिस का खौफ तो पहले ही गायब था और अब तो ये लगने लगा है कि यहाँ वहाँ जहाँ वो चाहेंगे अपराधी अपनी वारदातों को अंजाम देंगे। पुलिस का काम तो सिर्फ लकीर पीटना है और वो पीटती नजर भी आती है। अमित कुमार श्रीवास्तव, इलाहाबाद, नेशनल वॉइस। आज बस इतना ही, कल फिर खुलेगी गुनाह की एक और डायरी और 100 नंबर पर होगा उसका हिसाब किताब। दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।